नमस्कार, खबरों में आज में आपके साथ मैं हुई ना गौरव। खबरों में आज में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में मौजूद हमारे संवाददाताओं से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे तीनों ही राज्यों की अहम खबरें। इसके साथ साथ अब तक की कुछ और अहम खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। पंजाब की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन गुसाई, हरियाणा की खबरों के लिए महेंद्र सिंह और हिमाचल की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। सबसे पहले राजन, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे पंजाब में क्या है खबरों में आज। जी रीना, अगर पंजाब की बड़ी खबरों की बात करें तो आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रधान है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने एससी विंग समेत सभी जो विंग हैं कांग्रेस पार्टी के उनकी एक बैठक बुलाई है। 11 बजे के करीब ये चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में ये मीटिंग शुरू हुई और जिसमें आगामी विधानसभा 2017 के चुनाव जो है उन पर जो है विचार चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो खबर जुड़ी हुई है सुच्चा सिंह छोटेपुर से जुड़ी हुई है, वो कल से अपनी पंजाब परिवर्तन यात्रा गुरदासपुर से शुरू कर रहे हैं और विभिन्न जो जिले हैं पंजाब के वहां पर वो अपनी यात्रा करेंगे। वो इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और ये यात्रा जब संपन्न होगी तो वो अपना अगला सियासी कदम क्या होगा उस पर उसका खुलासा करेंगे। हालांकि अभी तक जो है उन्होंने किसी तरह की कोई राजनीतिक किसी पार्टी से मिलने की या जो आवाज़ें पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से चौथा मोर्चा खोला गया उसके साथ ना तो मिलने की हामी भरी और ना ही उससे उस इनकार किया कि उनके साथ मिलेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि पंजाब परिवर्तन यात्रा के बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर का अगला कदम क्या होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो विधायक हैं देवेंद्र सहरावत, उन्होंने बहुत एक गंभीर आरोप लगाया पंजाब प्रभारी संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर के, और इस मुतल्लक उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी है और आरोप लगाया कि दुर्गेश पाठक और संजय सिंह इनके चरित्र की जो है वो छानबीन जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ पर पंजाब में टिकट बंटवारे को लेकर महिलाओं का शोषण भी किया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर पंजाब के 34 अध्यापकों को मोहाली में पंजाब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा आज सम्मानित करेंगे। तो रीना, ये जो पंजाब की कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी निगाह बनी रहेगी। चलिए, ये तो हुई बात पंजाब की, रुक कर लेते हैं हरियाणा का। हिसार से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता महेंद्र। महेंद्र, हरियाणा की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खबरें हैं जिन पर आज दिन भर रहेगी निगाह? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रीना, सबसे पहले बात करें शिक्षक दिवस की तो पूरे देश की तरह हरियाणा में भी शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार के कई मंत्री अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव में एक गांव के सरकारी स्कूल में शिरकत करेंगे। वो यहां पर 9वीं और 10वीं क्लास के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे रूबरू होंगे। इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर है, खुद कैप्टन अभिमन्यु जो वित्त मंत्री हैं वो हिसार में मौजूद रहेंगे और वो छात्रों से रूबरू होंगे शिक्षक दिवस के मौके पर। अगली खबर की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, वो 67 जो पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाकर अंबाला से रवाना करेंगे 12 बजे के आसपास का ये कार्यक्रम है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो 25 सितंबर को जींद में चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत करेंगे। तमाम सरकार के, हरियाणा सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। तो इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आज केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह हिसार में है, कैप्टन अभिमन्यु भी यहां पर होंगे और सीपीएस डॉक्टर कमल गुप्ता भी यहां पर होंगे और वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से रैली में और कितनी भीड़ जुटानी है। अगली खबर की बात की जाए तो इनेलो भी रैली करने जा रही है, 25 सितंबर को ये रैली होने जा रही है चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के मौके पर, सद्भावना रैली इसका नाम दिया जा रहा है, करनाल में ये रैली होनी है। इसको लेकर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकों का सिलसिला जारी है, आज हिसार भिवानी और सिरसा में बैठकें की जानी है। इन बैठकों को संबोधित अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा कर रहे हैं। तो आज सार भिवानी और सिरसा में ये बैठक होंगी और इसमें कार्यकर्ताओं को ये तीनों बड़े नेता संबोधित करेंगे, रैलियों को लेकर ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं, तमाम अपडेट हैं जो दिन भर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हरियाणा के नजरिए से।
चलिए हरियाणा की भी बात हो गई है, हिमाचल का रुख करते हैं। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा है। मोहित, हिमाचल की अहम खबरें। बिल्कुल रीना, हिमाचल की खबरों की बात कर ली जाए तो आज हिमाचल कैबिनेट है और ऐसे में एक बार जो जो नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां उसका पिटारा जो है वो खुल सकता है, क्योंकि कई विभागों में रिक्त जो है बड़े पैमाने पर पद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो प्राथमिकता रही है सरकार की और एजेंडा जो है आज उसमें ये शामिल किया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग में क्योंकि डॉक्टरों के ज्यादा पद खाली हैं और कई जो है वो अपग्रेड करने की बात भी हो रही है, जो सेंटर्स हैं स्वास्थ्य सेंटर्स हैं ग्रामीण इलाकों में, तो उस पर खास तवज्जो जो है कैबिनेट की बैठक में रखी देखी जा सकती है। इसके अलावा शिक्षक दिवस है, जिस तरह से पूरे देश में शिक्षक दिवस की धूम है तो हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा दिवस जो है उस काफी धूमधाम के साथ जो है स्कूलों में मनाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल जो है वो खुल चुके हैं और ऐसे में हर स्कूल में जो है आज जो छात्र हैं शिष्य हैं अपने गुरुओं को सम्मानित करेंगे, कुछ उन्हें पुष्प देंगे और कुछ जो है गुलदस्ते देंगे और कुछ जो है वो कार्ड्स जो है वो अलग अलग बना करके बच्चे जो है आज स्कूल ले जा रहे हैं। और इसी के साथ जो है राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह जो है वो राजभवन में आयोजित होगा, जहां पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे और जिन्हें पिछले वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था दिल्ली में उन्हें भी इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वो भी इसमें बतौर स्पेशल गेस्ट जो है वहां पर आमंत्रित है, तो वो भी वहां मौजूद रहेंगे और कुछ कैबिनेट मंत्री जो है इस दौरान इस समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक राज्यपाल आचार्य देवव्रत की एक सोच थी जिसे सरकार ने अब अमली जामा पहना दिया है और आज डॉक्टर राधाकृष्णन की जो आज उनके नाम पर जो है वन योजना जो है वो शुरू की जा रही है। इसके तहत काफी इंटरेस्टिंग ये बात है कि अब जिस तरह से पौधारोपण कार्यक्रम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कोई भी शख्स जो है अपने जन्मदिन पर या फिर विवाह की जो सालगिरह उस पर या फिर जो अपने बुजुर्ग हैं पूर्वज हैं उनकी पुण्यतिथि पर एक एक पेड़ जो है वो लगा सकता है, पौधारोपण कर सकता है और इसके लिए बकायदा वन विभाग खुद पौधे देगा। ये काफी समय पहले जो है राज्यपाल ने ने ये सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था जिसे मंजूर जो है वो करके अब सरकार जो है आज इसे इंप्लीमेंट करने जा रही है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो है वो करीब 1 बजे इस योजना का जो है शुभारंभ करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी रीना। चलिए, पंजाब हरियाणा और हिमाचल की अहम खबरें आपने बताई हैं और पल पल की जानकारी के लिए भी हम आप लोगों के पास लौटते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका, महेंद्र और साथी मोहित आपका।